जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बंगाल, भारत और स्वतंत्र भारत के प्रथम और आखिरी गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। इस तरह क्वेश्चन आप पेपर में आते हैं तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दिखने में एक जैसे रहते हैं और थोड़ा सा अंतर होता है, इनके उत्तर बदल जाते हैं। तो इस वीडियो में आप बस यही कन्फ्यूज़न हम दूर करने के लिए आए हैं। बिल्कुल आपको ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा, जिससे कि आप इसे आसानी से याद कर पाएँ और आप पेपर में क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनके हम आर्डर का एक क्रम देखेंगे, जो कि एक समय के हिसाब से बदलता गया है। शुरुआत होती है 1757 की क्रांति से। 1757 का युद्ध प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से गवर्नर ऑफ बंगाल का पद शुरू होता है और वो 1774 तक चलता है। फिर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर ऑफ बंगाल के पद को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया जाता है। उसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता है, इसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये पद सेम ही रहता है, बस केवल बंगाल की जगह पे इंडिया नहीं, ये भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगता है। उसके बाद 1857 की क्रांति आती है। 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक जो वायसराय ऑफ इंडिया, यानी गवर्नर जनरल के पद को वायसराय ऑफ इंडिया कहा जाने लगता है। फिर 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है, तो उसके आज़ादी के बाद से लेकर 1950 तक जो वायसराय का पद ख़त्म होकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। ये तो हो गया एक आर्डर की, कि पहले गवर्नर, फिर दूसरा गवर्नर जनरल, फिर उसके बाद अभी ये बंगाल का था, उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल, फिर वायसराय, फिर स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल और फिर स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल भारतीय। तो चलिए अब एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे बंगाल के गवर्नर की। यहाँ पे हमने एक, क्योंकि एक ही गवर्नर है, जी है, इस वजह से हमने इसको एक जी से डिनोट किया है। ये हम भी याद करने के लिए यूज किए हैं ट्रिक के माध्यम से, जिससे हम आसानी से याद कर पाएँ। अब बात करते हैं कि पहला गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव थे, और अंतिम कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। फिर इसके बाद क्या होता है, बंगाल का गवर्नर के पद को हटा के यहाँ पे बंगाल का गवर्नर जनरल आ जाता है। तो गवर्नर और जनरल, यहाँ पे जी जी दो आ गए, तो यहाँ पे हमने दो लिख दिया। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स यहाँ के प्रथम गवर्नर जनरल बन जाते हैं, जो कि इसके पहले यानी बंगाल के गवर्नर आखिरी थे, वो यहाँ पे बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम बन जाता है। और इसका अंतिम जो है विलियम बैंटिक थे। अब यहाँ के जो अंतिम है, वो यहाँ पे फिर अगले वाले के प्रथम बन जाएंगे। तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बैंटिक, भारत के प्रथम थे, और ये अंतिम कैनिंग। फिर ये जो कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल थे, जब वायसराय का पद आया, तो ये प्रथम वायसराय बन गए और अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन बन गए। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, क्योंकि जब आज़ाद हुआ देश, उसके बाद से यही एक ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल थे, इनके बाद कोई नया नहीं बना। इनको इनके एक वर्ष के लगभग कार्यकाल के बाद फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, जो कि भारतीय थे, प्रथम और अंतिम भी यही थे, क्योंकि इनके बाद भी कोई नहीं बना, तो ये भी अकेले ही थे। इस वजह से इनको प्रथम और आखिरी दोनों कहा जा सकता है। अब हम याद करेंगे, सबको नाम देख लिए हैं, अब इनके ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो इसको याद करने के लिए हमें एक ट्रिक बनाई हुई है, लाइव हैशटैग बैन KBC, लाइव हैशटैग बैन KBC, या फिर इसको आप बैंक BC भी कह सकते हैं या बैन KBC भी कह सकते हैं, जैसे आप याद करना चाहें याद कर सकते हैं। बैंक BC वो होता है जो बैंक से जुड़ा होता है, और बैंक का सारा काम वो अलग अपने एक दुकान में करता है, जहाँ से हम लोग पैसा निकाल सकते हैं, खाता खुलवा सकते हैं, सारा काम बैंक BC करता है। तो ये हो गया बैंक BC। अब देखिए इसे कैसे याद करेंगे। लाइव से बन गया क्लाइव,
लाइव से बन गया क्लाइव, हैशटैग से बन गया हैस्टिंग, बैन से हो गया बैंटिक, के से हो गया कैनिंग, बी से हो गया बेटन और सी से हो गया सी यानी चक्रवर्ती, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यानी ही सी राजगोपालाचारी भी कहा जाता है। अब देखिए ये तो हो गया एक आर्डर जिनके सारे नाम हमने यहाँ पे दे दिए हैं। अब कैसा याद करेंगे कि यदि पूछ लिया कि बंगाल का गवर्नर पहला कौन था और आखिरी कौन था तो कैसे याद होगा? तो देखिए यहाँ पे जी पहले नंबर पे दिया है, सिर्फ एक जी है तो इसे हम नंबरिंग अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। कोशिश करते हैं यहाँ पे आपको समझाने की, इसे हम वन कर दें, इसे टू कर दें, इसको थ्री कर दें, इसको फोर कर दें और इसको फाइव कर दें और इसको सिक्स कर दें, 1 2 3 4 5 6 तो एक ऑर्डर बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जी है, एक जी है तो यहाँ पे हम एक से शुरू करेंगे और एक आगे तक जाएंगे। जैसे यहाँ पे एक से शुरू किए, एक आगे तक गए, हम एक ही आगे तक जाना है, इसकी ज़्यादा नहीं जाना है, तो एक से दो तक गए यहाँ पे हम। तो पहला हो गया यदि पूछेगा कि बंगाल का गवर्नर कौन था, तो पहला हो गया लाइव यानी क्लाइव, पहला और आखिरी कौन हो गया हैशटैग हैस्टिंग, हैस्टिंग हैशटैग भी याद करे रहेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये हो गया लाइव लाइव हैशटैग क्लाइव और हैस्टिंग। फिर जब आगे आते हैं तो बंगाल का गवर्नर जनरल यानी एक जी था, अब यहाँ दो जी हो गया, एक जी के बाद दो जी। अब दो जी के लिए एक हम यहाँ पे छोड़ देंगे, फिर दो पे आ जाएंगे, यहाँ जितना रहेगा उतना यहाँ शुरू करेंगे। अब दो जी से तीन पे हमें जाना है, तो ये क्या है हैस्टिंग और ये है बैंटिक, तो पहले हो जाएंगे हैस्टिंग और आखिरी हो जाएंगे बैंटिक, तो ये हैस्टिंग बैंटिक। उसके बाद नेक्स्ट जब आएंगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यानी जी जी आई यानी तीन हो जाता है, तो तीसरा कौन सा हो गया बैन बैन, और इसके नेक्स्ट वाला हो जाएगा के, यानी इसको चाहे बैंक से भी याद कर सकते हैं या बैन के भी याद कर सकते हैं। ठीक, तो जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछेगा तो हम यहाँ पे तीसरे वाले पे आ जाएंगे, तो पहला हो जाएगा बैंटिक और आखिरी हो जाएगा कैनिंग। तो यहाँ तक हमने याद कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है वायसराय। अब वायसराय में देखिए इसमें गिनिए कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 पांच अक्षर हैं, मात्रा में नहीं गिनना है, तो पांच को हम वी से लिख सकते हैं रोमन अंक से, और वी को ही हम वायसराय भी कहते हैं, वी से वायसराय, वी से पांच, और यहाँ पे कैनिंग का के बेटन का बी, तो इसको 5 के भी कह सकते हैं। कंप्यूटर में किसी फाइल की साइज़ को केबी में नापते हैं, तो इसी तरह इसमें भी हम वायसराय को केबी में अगर नापेंगे तो ये 5 KB का वायसराय हो जाएगा, तो इसको आसानी से याद कर सकते हैं अलग से 5 KB। उसके बाद यहाँ से भारत आज़ाद हो जाता है, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है माउंट बेटन को, तो हम भी यहाँ तक याद कर लिए। उसके बाद हम जब माउंट बेटन देश आज़ाद होने के बाद क्या होता है, फिर एक आर्डर नहीं चलता है, क्योंकि इसके बाद न तो कोई आखिरी रहता है ना तो कोई फर्स्ट, जो रहता है वही आखिरी हो जाता है, तो इस वजह से इसके लास्ट वाले जो 5 नंबर और 6 नंबर हैं इनको हम रिपीट करेंगे, तो ये हो जाएगा बी बी और ये हो जाएगा सी सी। यदि पूछेगा स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल पहला और आखिरी कौन था, तो बी बी चाहे बेटन बेटन ये दोनों हो जाएंगे, और आखिरी भारतीय पूछे या प्रथम भारतीय पूछेगा स्वतंत्र भारत का, तो भी तो सी सी हो जाएगा। तो ये तीन तो आपको याद ही हो जाएंगे, के बी 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 सी सी, के बी 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 सी सी, और ऊपर के देख ही रहे हैं आप, क्लाइव हैशटैग हैशटैग बैंटिक बैंटिक कैनन, तो तीन बार आप याद करेंगे आराम से याद हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं रिवीजन कर लेते हैं कि हमने समझ में आया या नहीं। तो बात करते हैं बंगाल के गवर्नर की, तो यहाँ पे एक जी है तो अब शुरू करेंगे यहाँ से, तो क्या होगा लाइव हैशटैग यानी क्लाइव और हैस्टिंग, फिर यहाँ पे दो जी है तो हैस्टिंग बैंटिक हैस्टिंग बैंटिक हैस्टिंग बैंटिक, उसके बाद यहाँ पे जी जी और आई,
तो यहाँ पे कहाँ शुरू होगा, बैंटिक कैनिन, बैंटिक कैनिन वायसराय से ये 5 है, 5 के भी हो जाएगा कैनिंग और बैटन। और उसके बाद आप जानते हैं बीबी सीसी, तो स्वतंत्र भारत के बीबी ये तो हो जाएंगे प्रथम और अंतिम, और भारतीय पूछ लेगा तो सीसी सिराज गोपालाचार्य हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया, यदि फिर भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।